तो क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। दिस इज मी सिकोरियर और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप परफेक्टली वॉर जोन में अपनी FPS को बढ़ा सकते हो। एंड मेरे PC स्पेक्स या मेरे जैसे इशू वाले और भी बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि ये गेम एक ऐसी गेम है जिसको आप ऑल टैप भी करते हो ना तो बग हो जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा गेम बहुत बेकार है, गेम अच्छी है, बट गेम ऑप्टिमाइज्ड नहीं रही। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ, बट जो लेटेस्ट अपडेट गेम का आया है ना, जो नया सीजन आया है जिसमें रीबर्थ आइलैंड वाला अपडेट आया, उसके बाद से बहुत ज्यादा इशू देने लगी मुझे ये गेम। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, एंड इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक देखना एंड प्लीज फॉलो ऑल द स्टेप्स। अगर बीच में आप कोई भी स्टेप मिस करते हो, फिर उसके बाद वो स्टेप की वजह से आपका क्या पता, यू नो, आपकी FPS फिक्स ना हो, आपके स्टटरिंग का इशू फिक्स ना हो। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपका कोई भी डाउट हो, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन खेलते हैं, या मे बी ऐसे ही सोशल मीडिया पर शेयर कर देना। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है डेस्कटॉप हमारा। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं हम कि कैसे आप वॉरजोन में अपनी FPS को फिक्स कर सकते हो। उसके लिए आपको करना पड़ेगा अपना विंडोज अप टू डेट। इसके लिए यहां पर मैं एक लिंक डाल दूंगा, microsoft.com की साइट का लिंक है, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, वहां से साइट खोलोगे, मतलब ये ऐसे खोलोगे तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा और विंडोज 10 अक्टूबर 2020 अपडेट जो है वो आपको यहां पर क्लिक करके अपडेट नाउ पे क्लिक करके डाउनलोड करना है। ठीक है, तो जब आप इस जो फाइल डाउनलोड होगी उसको रन करोगे तो अगर आप में ये मैसेज लिख के आता है आपके में थैंक यू फॉर अपडेटिंग टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज 10, तो मतलब आपका विंडोज फुल्ली अपडेटेड, आपको करने की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं होता है तो डाउनलोड होगा, फिर इंस्टॉल होगा एंड आपको ये डाउनलोड और इंस्टॉल करना है विंडोज 10 का अपडेट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि यहां पर आपको लिखना है GPU। ठीक है, यहां पर GPU लिखोगे या ग्राफिक्स लिखोगे तो यहां पर ग्राफिक सेटिंग्स आ जाएगा सर्च बार में। यहां पर जैसे ही आप खोलोगे लिख के आएगा हार्डवेयर एक्सेलरेटेड GPU शेड्यूलिंग। ये हार्डवेयर एक्सेलरेटेड GPU शेड्यूलिंग को आपको करना है टर्न ऑन, इससे आपकी जो GPU है वो बेटर परफॉर्म करेगा और आपके गेम्स और जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देगा। तो ये चीज़ आपको ऑन करनी है और उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप ऐप सेलेक्ट करके ब्राउज करना है और आपको अपने मॉडर्न वॉरफेयर, जहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर या जो भी गेम आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो या जो भी गेम को आप रन करना चाहते हो ग्राफिक कार्ड के थ्रू बेटर, तो उसको आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहां पर मॉडर्न वॉरफेयर और मॉडर्न वॉरफेयर लॉन्चर दोनों को आप सेलेक्ट कर लेना जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग रन स्मूथ। यहां पर दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड करना है और ऐड करने के बाद यहां पर आ जाएगा। ठीक है, फिर जब यहां पर एक बार आ जाएगा तो आपको उसको करना है क्लिक और फिर उसके बाद यहां ऑप्शंस में जाना है और यहां पर हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये हो गई एक सेटिंग। अब उसके बाद हम आते हैं यहां पर गेम मोड पे। ठीक है, यहां पर आपको लिखना है गेम और उसके बाद यहां पर गेम मोड सेटिंग्स आ जाएंगी। तो आपको जो विंडोज गेम मोड है उसको करना है टर्न ऑन। ठीक है, ये याद रखना, ये गेम मोड यहां पर है, इसको आपको ऑन करना है। इसके बाद आता है गेम बार, यहां पर एक्सबॉक्स गेम बार होगा, इसको जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर ये जो है इसको ऑन नहीं करना है। याद रखना गाइस, गेम मोड अलग है, गेम बार अलग है। तो गेम बार ऑफ करना है, गेम मोड को ऑन करना है और यहां पर इसको ऑफ कर देना। ये अगर टिक होगा तो इसको भी ऑफ कर देना। कैप्चर्स में जाना और यहां पर रिकॉर्डिंग और जितने भी ऑप्शंस आपको देख रहे होंगे सब ऑफ कर देना। ठीक है, कोई भी फालतू की चीजें आपको ऑन करने की जरूरत है नहीं। तो गाइस, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि आपको अपने ग्राफिक कार्ड के जो ड्राइवर्स हैं वो अप टू डेट रखने हैं। ठीक है, यहां पर ड्राइवर्स के अंदर जाओगे और यहां पर चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये चेक फॉर अपडेट्स करोगे आपका जब लिख के आएगा यू हैव द लेटेस्ट GeForce गेम रेडी ड्राइवर, तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई अपडेट पेंडिंग है, बचा है, तो वहां पर आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का, तो आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। इसको करने के बाद आपको जाना है NVIDIA कंट्रोल पैनल के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ NVIDIA कंट्रोल पैनल के अंदर और सबसे पहले आप आओगे पहली सेटिंग्स में, एडजस्ट इमेज सेटिंग्स विद प्रीव्यू। यहां पर आने के बाद आपको मिडिल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यूज दी एडवांस 3D इमेज सेटिंग। ठीक है, ये वाला मत करना, ऊपर वाला मत करना, इसको आप क्वालिटी या परफॉर्मेंस पे करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एडवांस 3D इमेज सेटिंग्स को यूज करोगे जो कि अगला स्टेप है। तो अगले स्टेप में मैनेज 3D सेटिंग्स पे क्लिक करो। जो सेटिंग्स आपको यहां पर दिख रही हैं आप वीडियो को पॉज करके हाई रेजोल्यूशन पे देख के आपको ये डिट्टो कॉपी करनी है। ठीक है, अब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी कि हमने ये सेटिंग क्यों रखी है। बट अगर आपको अपने गेम में बेस्ट FPS चाहिए तो आपको ये सेटिंग्स कॉपी करनी है। ठीक है, जितनी भी आपको सेटिंग दिख रही हैं ये आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर करके कॉपी कर लेना। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और आपको ये सारी चीज़ें अपने कंट्रोल पैनल में अप्लाई करनी है।
ठीक है, देख लो। तो ये बेसिक सी चीज है, बट एक बार ध्यान रखना, यहां पर जब आप पीसी के सेक्शन में जाओगे, आपका जितने भी मॉनिटर का रेजोल्यूशन है वो यहां पर सिलेक्ट करने के बाद, यहां पर रिफ्रेश रेट में आपका जो मॉनिटर का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज या 240 हर्ट्ज या 360 हर्ट्ज, जो भी रईस लोग हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, तो 360 हर्ट्ज या जो भी आपका हाईएस्ट रिफ्रेश रेट है आपको वो सिलेक्ट करके अप्लाई करना है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने 60 हर्ट्ज पे ही खेलते रहते हैं और सोचते हैं 144 हर्ट्ज मॉनिटर ले लिया तो वो बाय डिफॉल्ट 144 पे चलेगा। और इसके बाद आ जाओ एक सेकंड सेटिंग से, जिससे कि आपकी जो गेम के अंदर विजिबिलिटी है वो काफी बढ़ जाएगी। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर वॉरजोन खेल रहे हो तो आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगी स्पॉटिंग में और विजिबिलिटी में, ठीक है। आपको ये डिजिटल वाइब्रेंस है, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाना है। आप चाहो तो 80 कर दो, 75 कर दो, 90 कर दो, 100 कर दो। अब ये चीज़ ट्रायल एंड एरर पे है, आप जब गेम चालू करोगे आपको दिखेगा कि हाँ दिस इज़ परफेक्ट, तो आपको इसको उतने परसेंटेज पे सेलेक्ट करना है। तो चलो अब हम चलते हैं गेम स्पेसिफिक चीज़ों पे। तो इसके बाद आपको जाना है अपना जहाँ पर आपने मॉडर्न वॉरफेयर इंस्टॉल करी है। तो मेरी मॉडर्न वॉरफेयर यहाँ पर इंस्टॉल है और मैं यहाँ पर मॉडर्न वॉरफेयर के पास जाऊँगा, यहाँ पर मॉडर्न वॉरफेयर पे राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पर कंपैटिबिलिटी पे जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी के अंदर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। पहले तो रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको चेंज हाई डीपीआई सेटिंग सेलेक्ट करना है, ओवरराइड हाई डीपीआई, स्केलिंग बिहेवियर, स्केलिंग परफॉर्म बाय यहां पर टिक करना है, ठीक है, और ओके कर देना है, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर आप अप्लाई कर दो। रजिस्टर दिस प्रोग्राम फॉर रिस्टार्ट, पता नहीं ये तो मैं नहीं कर रहा, ये आई थिंक नया ऑप्शन आया, इससे पहले नहीं था, बट ठीक है चलो। इसको आप अप्लाई कर दो और ओके कर दो और इसके बाद आप मॉडर्न वॉरफेयर लॉन्चर पे भी चले जाना और इसको सेम चीज़ यहाँ पर कर देना, ठीक है। डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन, रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, चेंज हाई डीपीआई और ओवरराइड, ठीक है। ये सारी चीज़ें अप्लाई करके ओके कर देना। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ पर आपको करना है कंट्रोल ऑल डिलीट, ठीक है। कंट्रोल ऑल डिलीट करोगे टास्क मैनेजर खुलेगा, तो जब आप टास्क मैनेजर खोलोगे तो आपका टास्क मैनेजर कुछ इस तरीके से खुलेगा। आपको जाना है सेकंड टैब पे, परफॉर्मेंस वाले टैब पे, ठीक है। अगर आप इंटेल सीपीयूज यूज कर रहे हो या एएमडी सीपीयूज यूज कर रहे हो तो आपको यहां पर कोर्स और लॉजिकल प्रोसेसर दिखेंगे, ठीक है। कोर्स और लॉजिकल प्रोसेसर्स, मेरा जैसे इंटेल i7-9700 के है तो मुझे यहाँ पर 8 कोर और 8 प्रोसेसर्स दिख रहे हैं, मतलब ये थ्रेड्स है, ठीक है। अब ये 8 कोर और 8 थ्रेड है। अब ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नंबर जो है वो नोट कर लेना अपने दिमाग में, ठीक है। किसी का ये 12 भी हो सकता है, किसी का 16 हो सकता है, किसी का 6 हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है। अब यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको जाना है माई डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर का फोल्डर मिलेगा। ये कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर का फोल्डर आप खोलोगे, उसके अंदर प्लेयर्स करके एक फोल्डर होगा, वो प्लेयर्स वाला फोल्डर खोलोगे, उसके अंदर आपको एडवांस ऑप्शंस वाली एक फाइल होगी, ठीक है। इस एडवांस ऑप्शंस वाली फाइल को आपको खोलना है। अब यहाँ पर आपके पीसी के अकॉर्डिंग, आपके जो आपने वहां पर टास्क मैनेजर में देखा उसके अकॉर्डिंग यहां पर सेटिंग चेंजेस करनी है, ठीक है। अब यहां पर वर्जन 1 रहेगा, कॉन्फिग क्लाउड स्टोरेज 1 रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, आपको इसमें छेड़खानी नहीं करनी है। और अगर आपका 0 है तो इसको 1 कर देना, ठीक है। वीडियो मेमोरी स्केल जो ऑप्शन है ये आप 0.55 करो, ये मैं रेकमेंड करता हूँ। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हाई स्पेक्स वाले सीपीयू है तो आप 0.65 तक इसको ले जा सकते हो। अब इसके बाद आता है सेकेंड चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब बहुत सारे लोग देखते होंगे उनका जो टास्क मैनेजर अगर खुला होगा गेम खेलते वक्त तो उसमें आपको दिखता होगा कि 100% सीपीयू और जीपीयू यूजेज जा रहा है, ठीक है। अगर 100% सीपीयू यूजेज जा रहा है और उसके चक्कर में आपका जो आपका वॉरजोन है वो बॉटलनेक कर रहा है, मतलब आपका ग्राफिक कार्ड मे बी 10-15% पे चल रहा है और आपका सीपीयू 100% तक जा रहा है, तो यहां पर बहुत बड़ा फैक्टर होता है रेंडर वर्कर काउंट, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको जैसे बोला था कि नंबर ऑफ कोर्स पे ध्यान रखना कितना है। अब मेरे जैसे मेरा 8 है तो मैंने इसको यहां पर 5 पे सेट किया हुआ है। इसको अगर मैं 8 पे सेलेक्ट कर दूंगा तो मतलब पूरा प्रोसेसर यही खाएगा, सारे 8 कोर वही खा जाएगा। तो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क होगा जो कि कंप्यूटर पे बैकएंड पे होना है तो वो चीज नहीं हो पाएगी क्योंकि सारे रिसोर्सेज खा रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी। तो ये चीज आपके जो गेम है उसको बॉटलनेक कर देगा। तो इसके लिए आपको यहां पर लिमिट करना है अपने गेम को और इसके बाद आपको करने के बाद यहां पर सेव करना है, ठीक है। अब ये सेव करने के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहां पर आपको जाना है प्रॉपर्टीज में और इसको फाइल को कर देना है रीड ओनली। नहीं तो जब भी आप गेम बंद करोगे चालू करोगे तो ये क्या पता क्लाउड से सिंक करके बैक टू
पुरानी सेटिंग पे चला जाए और आपको पता ही ना चले और आपकी गेम फिर से लैग करनी चालू हो जाए। तो अगर आप इसको एक बार रीड ओनली कर दोगे तो ये फाइल दोबारा चेंज नहीं होगी। तो गाइज अब इसके बाद आपको खोलनी है अपनी गेम वॉरजोन को, प्ले पे क्लिक करोगे और उसके बाद गेम लॉन्च करोगे और फिर उसके बाद आपको मैं अंदर बताता हूँ कि आपको कौन सी ग्राफिक सेटिंग्स रखनी है और उसके बाद भी एक दो स्टेप्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। तो गाइज अगर आपको बेस्ट विजिबिलिटी और बेस्ट FPS चाहिए तो आपको ये सारी सेटिंग्स अपने में करनी होगी जैसे मैंने करी हुई है। मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ कि मैंने क्या सेटिंग रखी है और क्यों रखी है, ठीक है। फुल स्क्रीन रखोगे, बेस्ट आपको इनपुट लैग नहीं मिलेगा और बेस्ट रहता है। और उसके बाद आपको यहां पर अपना मॉनिटर सेलेक्ट करना है, ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करना है, स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो आपका मैक्सिमम है वो सेलेक्ट करना है, रेंडर रेजोल्यूशन जो है उसको आपको 100 रखना है, ठीक है, नॉट 133, नॉट 120 या नॉट 200, इसको इस बार को फुल नहीं करना है नहीं तो आपकी FPS नहीं आएगी। आपको इसको 100 रखना है, जो आपका जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है उससे मैच होना चाहिए, ठीक है। यहां पर मैंने 133 रखा हुआ है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों रखा हुआ है, बट इसको आपको 100 रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है एस्पेक्ट रेशियो में, ऑटोमेटिक कर दो, जो वी सिंक है उसको आप डिसेबल कर देना। उसके बाद कस्टम फ्रेम रेट लिमिट, इसको आपको अनलिमिटेड नहीं करना है। अगर आप इंटेल प्रोसेसर यूज करते हो और आप इसको अगर अनलिमिटेड कर देते हो तो आपका जो CPU यूजेज है वो 100% के ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि FPS पाने के लिए अनलिमिटेड जनरेट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा CPU यूज़ करता है। इसके लिए आपको यहाँ पर कस्टम सेलेक्ट करना है और उसके अंदर एडवांस के अंदर आपको गेम प्ले में कस्टम फ्रेम रेट लिमिट सेलेक्ट करनी है। मैं आपको कहूँगा, रेकमेंड करूँगा कि आपका जितना भी मैक्सिमम रिफ्रेश रेट का मॉनिटर है उससे एक ऊपर करो। 60 है तो 61 मत रखना, जनरली 120 या 144 वाले ही मॉनिटर्स होते हैं आजकल, आप इसको 145 रखो। अगर आपका 240 हर्ट्ज़ है तो 241 रख दो। और इसके बाद आपका जो NVIDIA हाईलाइट्स वाला है जो फीचर, उसको आप डिसेबल कर देना। इसको आप इनेबल करोगे तो आपकी FPS कम होगी, फिर आप मत कहना कि भाई FPS नहीं आ रही, ठीक है, इसको डिसेबल रखना है। NVIDIA रिफ्लेक्स लो लेटेंसी जो है इसको आपको इनेबल्ड या इनेबल प्लस बूस्ट पे रखना है। अगर आप ओल्डर GTX कार्ड यूज कर रहे हो तो इनेबल प्लस बूस्ट पे रखो, और अगर आप RTX कार्ड रख रहे हो तो इनेबल भी रख सकते हो, इनेबल प्लस बूस्ट भी रख सकते हो, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसके बाद डिस्प्ले गामा आप ये सेलेक्ट कर देना, टेक्सचर रेजोल्यूशन, टेक्सचर, ये सारी सेटिंग्स आपको जैसे मैंने यहाँ पर बताई है, जैसे दिखाई वैसे आपको कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है, मतलब एकदम सेम रखना। अब यहाँ पर मेन चीज आती है एंटी अलेजिंग जो है ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी विजिबिलिटी पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत जैगड जैगड लाइंस दिख रही हैं और आपकी विजिबिलिटी काफी पुअर हो गई है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा SMA 1x तक रखना, नहीं तो अगर ज्यादा बढ़ाओगे आपकी FPS डिप होगी और आप गेम खेलने में प्रॉब्लम आएगी। डेप्थ ऑफ फील्ड डिसेबल, फिल्मिक स्ट्रेंथ 1 या 0 कर दो, 0 बेस्ट रहता है, 1 भी मतलब थोड़ा सा एक एडिशनल इफेक्ट देता है। वर्ल्ड मोशन ब्लर डिसेबल, वेपन मोशन ब्लर डिसेबल एंड फिल्मिक रेंज 0, ठीक है। ये सारी सेटिंग आपको जैसी दिख रही है वैसी करनी है, और साथ ही साथ आपको जो गेम प्ले सेटिंग है, जनरल सेटिंग्स, ठीक है, जनरल सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर जो मिनी मैप शेप है, जो मिनी मैप रोटेशन है, वो इस तरीके से रखना है जैसे मैं आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको स्क्वायर रखना है, नॉट राउंड, स्क्वायर में आपको ज्यादा एरिया कवर होता है ताकि आप अपने वॉर जोन में ज्यादा चीजें देख पाओगे अपने छोटे से रेडार में, मिनी मैप में। तो ये थी सारी सेटिंग। इस सेटिंग को, सारी सेटिंग्स को करने के बाद आपको गेम बंद नहीं करनी है, ठीक है, ये याद रखना, आपको गेम बंद नहीं करनी है, आपको करना है ऑल टैब। ये सारी सेटिंग जब आपको परफेक्टली मिल जाए, ठीक है, कि हाँ यही सेटिंग आपको यूज़ करनी है, आप गेम के अंदर जाना, गेम खेलना, आप चेक करना कि हाँ भाई आपको गेम लग रहा है सही है, FPS बढ़ गई है, अच्छा चल रहा है, तो इसके बाद आपको ये सारी सेटिंग्स को लॉक कर देना है। मतलब आप जब भी ऑल टैप करोगे या मिनिमाइज करोगे तो आपका गेम बग नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपको जाना है वापस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और ये जो कॉन्फ़िग फाइल्स जितनी भी देख रहे हो आप, जितनी भी कॉन्फ़िग फाइल्स हैं यहाँ पर, उन सब को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके रीड ओनली करना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे गेम आपकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है, गेम प्ले एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि बहुत बार आपको ऑल टैप करने की ज़रूरत पड़ जाती है, उससे गेम हो जाती है। तो ये जरूर करना, आपका गेम काफी ज्यादा इंप्रूव होगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। अब एक दो और छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका इन सब चीजों को करने के बाद भी फिक्स नहीं होता है तो आपको टास्क मैनेजर खोलना है। उसके बाद आपको यहां पर कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर दिखेगा, आपका गेम चल रहा होगा, इसको खोल के आपको जाना है यहां पर गो टू डिटेल्स, ठीक है। जब गो टू डिटेल्स पे जाओगे आपको मॉडर्न वॉरफेयर दिखेगा, और यहां पर राइट क्लिक जब करोगे आपको सेट प्रायोरिटी आएगा, ठीक है। ये सेट प्रायोरिटी बहुत सारे लोगों का हाई पे रहेगा, तो अगर आपका ये मॉडर्न वॉरफेयर हाई प्रायोरिटी पे है तो आपका स्टटरिंग और FPS ड्रॉप के इश्यूज हो सकते हैं और 100% CPU यूजेज पहुंच सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा इसको हाई पे मत रखो और इसको नॉर्मल पे रखो, इससे आपकी गेम काफ़ी स्मूथ चलेगी, FPS भी काफ़ी अच्छे आएंगे और आपको गेम प्ले में कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसको हाई पे मत रखना, और इसके बाद आप बार बार चेक कर सकते हो आपका ये जो गेम है ये
नॉर्मल पे चल रहा है, हाई पे चल रहा है कि नहीं। नहीं अगर चेक करना है, आप चाहते हो कि भाई ये चीज़ें बार बार मैं चेक ना करूं, तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है प्रोसेस लासो। प्रोसेस लासो के अंदर आप जब मॉडर्न वॉरफेयर खोलोगे, मॉडर्न वॉरफेयर पे राइट क्लिक करके आप यहाँ करंट और ऑलवेज में दोनों में इसको नॉर्मल कर सकते हो, जिससे कि ये बाय डिफॉल्ट हमेशा नॉर्मल पे रहेगा। एक छोटी सी चीज़ और, अगर आपका गेम इतना सब कुछ करने के बाद भी स्मूथ नहीं चल रहा है और बढ़िया नहीं चल रहा है, स्टटरिंग हो रही है या कोई इशू आ रहा है, तो आप DirectX 12 को हटा के DirectX 11 पे भी इस गेम को रन कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है और सेटिंग्स पे क्लिक करना है Battle.net के अंदर, ठीक है। ये सेटिंग्स कुछ इस तरीके से खुलेंगी और साथ ही साथ उसके बाद आपको गेम सेटिंग्स में जाना है। गेम सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन दिखेगा। वॉरजोन के अंदर जाके आप यहाँ पर एडिशनल कमांड लाइन आर्गुमेंट पे टिक करोगे और यहाँ पर आप -D3D11 लिख सकते हो, ठीक है। ये जब D3D11 लिख दोगे तो इससे क्या होगा, गेम विल फोर्स रन इट ऑन DirectX 11। तो ये दी कंप्लीट FPS एंड विजिबिलिटी गाइड ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको भी कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर या वॉरजोन में इशू आता है या कोई भी गेम में इशू आता है। ये सारी सेटिंग्स जो हैं अदर गेम्स में भी हेल्प करेंगी। और एक बात और याद रखना गाइस, अगर आप डिस्कॉर्ड यूज करते हो या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करते हो जिसका ओवरले इन गेम आता है, मान लो एनवीडिया जीफोर्स हो गया, या मान लो आप डिस्कॉर्ड हो गया, मान लो आप टीमस्पीक का हो गया, मान लो आप कोई और थर्ड पार्टी जिसका ओवरले आपको इन गेम दिखता है, तो वो आपकी FPS खाता है। तो अगर आपकी वो सारी चीज़ें उनमें से कोई भी एक चीज़ चालू है तो उसको आप बंद कर देना। डिस्कॉर्ड ओवरले, जीफोर्स एक्सपीरियंस, कुछ भी ओवरलेज सारे बंद होने चाहिए। कोई भी गेम फिल्टर लगाओगे तो FPS खाएगा ही खाएगा। तो अगर आपको FPS ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें, ओवरलेज सारी चीज़ें बंद करनी है, ठीक है। कोई भी गेम हो सब में ये चीज़ लागू होती है, ठीक है। तो दिस वॉज दी अल्टीमेट FPS गाइड। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए फ्यूचर में और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड आई सी यू ऑन माई लाइव स्ट्रीम्स। बाय गाइज।